सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल योर्स को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए फॉर लेटेस्ट टेक न्यूज और देखिए सबसे पहले। हे व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं डिजिटल योर्स इन हिंदी। गाइस, फाइनली नोकिया 3 इंडिया मार्केट में लॉन्च हो चुका है और ये मैंने खरीदा है तकरीबन 9,500 रुपये में। कुछ लोगों ने इसको 10,000 रुपये में भी खरीदा है। तो गाइस, मेरे कुछ दोस्तों ने मुझसे पूछा कि 9,500 या 10,000 रुपये में ये डिवाइस खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, क्या ये वर्थ बाइंग है। तो गाइस, ये डिवाइस मैं कुछ दिनों से यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ मैं आपके सामने बताऊँगा अपने टॉप 5 रीज़न जिसके कारण से ये डिवाइस आपको खरीदना चाहिए। वैसे मेरे पास कुछ रीज़न्स ऐसे भी है जिसके कारण से आपको ये डिवाइस सिंपली इग्नोर करना चाहिए, बट इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ बताऊँगा अपने टॉप 5 रीज़न जिसके कारण से ये डिवाइस आपको खरीदना चाहिए। तो गाइस, ये रहे मेरे टॉप 5 रीज़न्स। गाइस, आगे बढ़ने से पहले इसके स्पेक्स एंड फीचर्स पर नज़र डाल लेते हैं। इस पर आपको मिलता है 5 इंच का HD डिस्प्ले विथ 2.5D कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास। गाइस, इसमें बॉडी जो है इसकी वो पॉलीकार्बोनेट है और साइड्स के जो फ्रेम्स है वो मेटेलिक फ्रेम्स है। गाइस, इसमें आपको कैमरा मिलता है फ्रंट एंड बैक 8 मेगापिक्सल का विथ ऑटो फोकस और बैटरी सिर्फ 2650 mAh की है। गाइस, इसमें जो प्रोसेसर लगा है वो मीडियाटेक का है 6737 जिसकी स्पीड है 1.4 क्वाड कोर। गाइस, इसमें 2GB का रैम मिलता है आपको और बिल्ट इन स्टोरेज मिलता है आपको 16GB जिसको माइक्रो SD कार्ड के साथ आप एक्सपैंड भी कर सकते हैं। तो गाइज, ये रहे क्विक स्पेक्स और अब हम बात करते हैं टॉप 5 मेरा जो रीज़न है इस फ़ोन को ख़रीदने का उसके बारे में। गाइज, सबसे पहला रीज़न जो है मेरा इस फ़ोन को ख़रीदने का वो है यहाँ पे, यानी ये लोगो। गाइज, जिस तरह एप्पल ने अपना एक ब्रांड इमेज बनाया था, ठीक इसी तरह नोकिया का भी एक सॉलिड ब्रांड इमेज है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और अगर ये सेम स्पेक्स के साथ कोई और कंपनी अगर डिवाइस लॉन्च करती तो शायद इतना एक्साइटमेंट नहीं होता, हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होते। तो मेरा पहला रीज़न है इसके इस फ़ोन को पिक करने का वो है नोकिया का लोगो, यानी ये नोकिया का डिवाइस है। तो ये रहा मेरा पहला रीज़न। गाइस, दूसरा कारण है इसका प्योर स्टॉक एंड्रॉयड 7.0 नूगट। गाइस, मुझे प्योर स्टॉक एंड्रॉयड काफ़ी पसंद है, मैं नेक्सस डिवाइस का बहुत बड़ा फ़ैन रह चुका हूँ, बहुत सारे नेक्सस डिवाइसेस मैंने टेस्ट किए हैं। अभी मेरा डिवाइस जो है 1+3 है वो भी ऑलमोस्ट प्योर स्टॉक एंड्रॉयड जैसा ही फील देता है। अगर आपने MIUI के डिवाइसेज अगर यूज़ किए हैं तो आप स्टॉक एंड्रॉयड को भी ज़रूर एक ट्राई दो, आपको ये डेफिनेटली पसंद आएगा। और HMD ग्लोबल ने ये भी कहा है कि वो रेगुलर अपडेट देते रहेंगे, तो हो सकता है आपको इस डिवाइस में एंड्रॉयड ओ टेस्ट करने को मिले। और मैं पॉइंट आपको बताता हूं कि आप जो है ये डिवाइस जो है डेवलपर फ्रेंडली हो सकता है। मैंने XDA में इसका ऑलरेडी एक पेज देखा है, यानी आपको इसमें हो सकता है कस्टम रॉम्स भी मिले, यानी आप अगर ऑफिशियल HMD की तरफ से आपको ऑफिशियल अगर अपडेट नहीं मिलता, जब भी मैं ये कहता हूं कि कोई ना कोई डेवलपर आपको एंड्रॉयड ओ टेस्ट ज़रूर कराएगा इस डिवाइस में। ये मैं चैलेंज के साथ नहीं कहता, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूँ कि आपको इस डिवाइस में शायद एंड्रॉयड ओ टेस्ट करने को मिले। गाइस, इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, यूनिबॉडी मटेरियल नहीं है इस पर, यानी मेटेलिक बॉडी नहीं है इसकी, बट इस पर जो बैक पे जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो है पॉलीकार्बोनेट और ये एक अच्छा प्लास्टिक जैसा फील देता है आपको, बिल्कुल चीप नहीं लगता। और इसको मैट फिनिश होने के कारण से आप होल्ड करना भी आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। इसके चारों तरफ ऐसे मेटेलिक फ्रेम्स यूज़ किए गए हैं जिसके कारण से आपको टक्कर लगने पर ये थोड़ा सेव रहेगा, आपको यहाँ पर डेंट नहीं मिलेगा और होल्ड करने पे भी आपको अच्छा ग्रिप और सॉलिड ग्रिप मिलता है। और वैसे स्टाइलिश भी लगता है इसका जो शेप है, इसको जो डिज़ाइन किया गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये साइड्स में इसके जो फ्रेम्स है ये थोड़ा सा कर्व है और कहीं ना कहीं ये माइक्रोसॉफ्ट के जो विंडोज़ फ़ोन थे नोकिया माइक्रोसॉफ्ट का उस जैसा शेप लगता है। तो नोकिया का ये हॉलमार्क डिज़ाइन है और डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया है। अगर आप फ़ोन हाथ में लेकर रहो तो डेफिनेटली आपके दोस्त पूछेंगे ये कौन सा डिवाइस है, 5 है या 6 है, तो ये मुझसे पूछा गया था इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे अच्छी लगी, 9,500 के आसपास जो इसका प्राइस है उसके हिसाब से ये बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। गाइस, चौथा कारण है इसका डिस्प्ले और इस पर आपको मिलता है HD डिस्प्ले, फुल HD डिस्प्ले नहीं मिलता। 720p रेजोल्यूशन इसकी, 294 के आसपास इसका PPI है, बट ओवरऑल इसका डिस्प्ले अच्छा है, गॉर्जियस है और
काम चलाने लायक है, मैं ये कहूँगा। फुल HD एक्सपीरियंस अगर आप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये डिवाइस आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप अगर आप इस पे YouTube पे वीडियो देखोगे तो आपको 1080p वीडियो इस पे सपोर्ट नहीं करेगा, आप सिर्फ 720p वीडियो देखोगे। अगर ये आपके लिए बहुत मैटर नहीं करता तो वैसे इसका स्क्रीन अच्छा है, पोलराइज डिस्प्ले है इस पे, जिसके कारण से आपको व्यूइंग एंगल जो है काफ़ी अच्छे हैं, यानी चारों तरफ से आपको आपके डिवाइस जो है दिखता है, इसका स्क्रीन दिखता है। और मैंने एक चीज़ और एक्सपीरियंस किया है कि लो ब्राइटनेस लेवल के साथ मैंने सनलाइट में जो है अपने डिवाइस को जब देखा तो मुझे सारे जो टेक्स्ट वगैरह है वो दिख रहा था, तो जिसके कारण से मैं आपको बताता हूँ कि इसका डिस्प्ले जो है मुझे अच्छा लगा। तो ये मेरा चौथा पिक है। गाइस पांचवा कारण है, इस पे आप दो सिम यूज़ कर सकते हैं, डुअल नैनो सिम यूज़ कर सकते हैं, और इसमें डेडिकेटेड एक माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट है, यानी आप इसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा, दो सिम भी यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ आप अपना माइक्रो SD कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ ये रहे मेरे 5 रीज़न जिसके कारण से आपको ये डिवाइस ख़रीदना चाहिए। गाइज़ मेरे कुछ ऐसे रीज़न भी है जिसके कारण से आपको ये डिवाइस इग्नोर करना चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको अलग एक नेक्स्ट वीडियो बनाकर आपको दिखाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या ऐसा चीज़ है जो जिसके कारण से ये डिवाइस आपको सिंपली इग्नोर करना चाहिए। गाइज़ अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो इसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, और देखते रहिए डिजिटली योर्स इन हिंदी।